का शुरुआत करने से पहले कुछ मैं आपके सामने यहाँ पे इमेज शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, आप इसे थंबनेल कह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, SIP इज स्कैम, SIP बंद कर दो, SIP इज स्कैम, SIP सही नहीं है, SIP नहीं है सही आई ओपनर, SIP आज ही बंद कर दो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे ऐसे थंबनेल मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ। देखो, कई बार इन्वेस्टर के साइड से ऐसे वीडियो का लिंक हमारे पास आता है और पूछा जाता है, SIP सही नहीं है, फिर आप इन्वेस्टर को क्यों यहाँ पे SIP के लिए एडवाइस करते हो। अब इक्का दुक्का अगर कोई क्वेरी हो तो वाकई में इस क्वेरी का जवाब देना नहीं बनता है। लेकिन लगातार ऐसे थंबनेल, ऐसे वीडियो का लिंक हमारे व्हाट्सएप के इनबॉक्स में आता है और एग्जैक्टली क्वेरी जनरेट किया जाता है कि आखिर SIP जब सही नहीं है तो आप क्यों ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल को इन्वेस्टर के सामने रखते हो। क्या सच में SIP स्कैम है? देखो, जो बिगनर लेवल के इन्वेस्टर है ऐसे ऐसे वीडियो के थंबनेल को देखकर वो अपने एक माइंड में इमेज बना लेते हैं कि वाकई में SIP से तो पैसा नहीं बन सकता और SIP एक स्कैम है, और वहां पे वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं। कुछ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी हैं जो 5 साल 8 साल मार्केट को देख चुके हैं, लेकिन जब ऐसे ऐसे थंबनेल और जब ऐसे ऐसे वीडियो उनके सामने आता है तो उनका भी कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है। वो सोचते हैं कि जो मेरा 10 साल का टारगेट है 1 करोड़ अचीव करने का, क्या मैं उसके करीब पहुंच पाऊंगा? क्योंकि कई बार उनके सामने ऐसे ऐसे वीडियो के थंबनेल, ऐसे ऐसे वीडियो के लिंक आते रहते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो होता रहता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी मैंने थंबनेल आपके सामने रखा है, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये जो क्रिएटर्स हैं, जो भी यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं, वो गलत बोल रहे हैं, और आप इनकी तुलना मेरे से नहीं करना। मेरा जो एक नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है ऐसे क्रिएटर से काफ़ी कम हो। तो आप इस वीडियो को इस नज़रिए से नहीं देखना कि मैं ऐसे क्रिएटर से अपना तुलना कर रहा हूँ या फिर मेरा नॉलेज ऐसे क्रिएटर से काफ़ी बेहतर है। लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको ऐसे थंबनेल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ कि आप ऐसे थंबनेल को देख के डीमोटिवेट ना हो। क्या क्या पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा आगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप मोटिवेट भी होगे और ऐसे जो थंबनेल हैं और ऐसे जो वीडियो हैं जिसके थ्रू आप क्वेरी जनरेट कर रहे हो, उसका सलूशन भी आपको यहाँ पे कुछ हद तक देखने को मिल सकता। जो भी व्यूअर इस वीडियो में टाइटल या थंबनेल देख के यहाँ पे आए हैं, तो मैं साफ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि SIP कोई स्कीम नहीं है, म्यूचुअल फंड SIP कोई स्कीम नहीं है। लेकिन मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आने वाले समय में अगर कोई आपके सामने वैसा वीडियो या कोई थंबनेल आता हुआ देखने को मिले तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंस से ये समझ सको कि आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। और इसको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ थंबनेल देख के आप किसी भी वीडियो का आकलन ना करें। जी हाँ, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। जैसे एक कहावत है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। जी हाँ, आपको वीडियो में जाके पूरा वहाँ पे विश्लेषण चेक करना होगा कि एग्जैक्टली क्यों ये क्रिएटर SIP को एक स्कैम के नज़रिए से देख रहा है। कई ऐसे वीडियो हैं, जी हाँ, जो ऐसे थंबनेल हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो बात करेंगे कि SIP काफ़ी स्लो प्रोसेस है। दूसरा, कि खर्चे के मामले में म्यूचुअल फंड AMC हमसे ज़्यादा कमाती है और हम पैसा कम बनाते हैं। आप खुद सोचो, देखो, आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, छोटे इन्वेस्टर हो, महीने का अगर आपके पास मान लो 10,000 15,000 का सैलरी है, तो क्या आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा रकम तैयार कर सकते हो? नहीं, धीमे गति में आपको चलना पड़ेगा, स्लोली स्लोली पैसा जोड़ना पड़ेगा और उसका धीरे धीरे आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। बहुत ऐसे वीडियो हैं जहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो को लेके जो बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा बना रही, आप खुद रिसर्च करो, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है? जी हाँ, मैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। क्या कंपनी उसमें नहीं कमाती है? क्या कंपनी उसमें अपना प्रॉफिट नहीं देखती है? आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को उठा के देख लो, हर एक कंपनी उसमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कमा ही रही है और तभी जाके इन्वेस्टर को पैसा बना के दे रही है। म्यूचुअल फंड में अगर खर्चे की बात करें, अगर मान लो कोई कंपनी, कोई AMC कुछ खर्चा लेके अगर आपको पैसा बना के भी दे रही है, तो उसमें क्या गलत बात है? जी हाँ, इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट है? यहाँ तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है कि कितना साल का खर्चा लगेगा। मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं ऐसे, मैंने काफ़ी आकलन किया है। जी हाँ, यहाँ पे ये तो बोला जाएगा, काफ़ी शॉर्ट वीडियो भी हैं, जी हाँ, एक एक मिनट के शॉर्ट वीडियो आपके सामने आएंगे और उसमें ये भी कहा जाएगा कि म्यूचुअल फंड गलत है, SIP गलत है।
लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि एग्जैक्टली कोई ऐसा प्रोडक्ट बता दो जो म्यूचुअल फंड से भी अच्छा है। जी हाँ, जो म्यूचुअल फंड में रिस्क है उसी रिस्क के अकॉर्डिंग क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो म्यूचुअल फंड से भी अच्छा है? नहीं। देखो, हर एक प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को उठा कर देख लो, आपका जो अर्निंग हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कमा रहा है। यहाँ तो आपके म्यूचुअल फंड में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है। जी हाँ, आपसे कितना पैसा वसूला जा रहा है और कितना पैसा कमाया जा रहा है वो आपके सामने है। लेकिन कोई अदर प्रोडक्ट की बात कर लूँ, वहाँ पे तो इनडायरेक्टली आपसे कमाया जाता है लेकिन उसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे कि मनी गारंटी प्लान की बात कर सकते हैं, इन्वेस्टर को यहाँ पे 6-7% के रिटर्न पे गारंटी दिया जाता है, जबकि वहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट पे 14-15% कमा रही है। लेकिन कितना कमा रही है, क्या कोई ट्रांसपेरेंसी है? नहीं है। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बात करेगा। जितने भी थंबनेल देखते हो, जी हाँ, ऐसे वीडियो का आप आकलन करते हो, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप डीमोटिवेट ना हो। जी हाँ, काफ़ी बारीकी से समझो कि वो किस पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं और क्या वो आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं है। ये जितने क्रिएटर्स हैं, जो जो मैंने आपके सामने थंबनेल रखा है, जी हाँ, जब ये अपने वीडियो में बात करते हैं तो वाकई में वैसे इन्वेस्टर को सबसे पहले रखते हैं जिनके पास इनकम का इनफ्लो काफ़ी अच्छा हो। जी हाँ, पैसे की कमी ना हो। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जी हाँ, जिनके पास महीने का 10,000 है, 15,000 है, अब बताओ क्या वो बड़े अमाउंट के साथ लमसम कर सकते हैं? नहीं। तो वो छोटे छोटे रकम के साथ ही कुछ पैसा जोड़ सकते हैं। तो वैसे स्थिति में SIP एक ऐसा टूल है जिससे वो यहाँ पे ज़्यादा रकम बना सकते हैं और कोई भी वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बड़े इन्वेस्टर के पास वहाँ पे पैसे का इन्फ्लो है तो वो तरह तरह के स्ट्रैटेजी पे वहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। लेकिन छोटे इन्वेस्टर महीने का 1,000-2,000 रुपये ही बचा रहे हैं तो वो अब दूसरे स्ट्रैटेजी पे क्यों शिफ्ट होंगे? एग्जैक्टली, वो SIP के थ्रू ही यहाँ पे पैसा धीरे धीरे जोड़ेंगे। मैं छोटे इन्वेस्टर को, मैं वैसे इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जिनके महीने का इनकम 15,000 है, 20,000 है और उनका सेविंग महीने का 3,000-4,000 काफ़ी मुश्किल से हो रहा है। मैं काफ़ी गंभीरता के साथ आपके सामने ये पॉइंट रख रहा हूँ कि ऐसा कोई भी टूल नहीं है, जी हाँ, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दे और आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। जी हाँ, देखो, SIP के थ्रू आप महीने का यहाँ पे 3,000-2,000 जो भी पैसा जोड़ोगे, धीरे धीरे वो काफ़ी बड़ा होता हुआ देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि 10-15 साल पहले जो इन्वेस्टर जुड़े हैं उनका पैसा नहीं बना है। आप हर एक म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल डाटा देख सकते हो कि 1,000 या 2,000 से अगर आपने SIP स्टार्ट किया होता तो आज फंड का वैल्यू कितना देखने को मिलता। छोटे इन्वेस्टर के लिए SIP ही एक सबसे बेहतरीन टूल है पैसा बनाने का। अच्छा, एक और पॉइंट आप नोट करो, जितने भी मैंने थंबनेल रखे हैं, जी हाँ, ये जो क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, अगर आप देखोगे तो ये मोस्टली स्टॉक्स बेस्ड या फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर ऐसे स्ट्रैटेजी पे एडवाइस करते हैं जहाँ पे पैसा अच्छा खासा बनता है और काफ़ी जल्दी बनता है। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो जल्दी बनाने के चक्कर में अपना पैसा गंवा चुके हैं। जैसे FNO की बात करें, जैसे FNO में कई सारे स्ट्रैटेजी हैं जो आप ऐसे यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या वहाँ पे हर कोई पैसा बना रहा है? जी नहीं, कई इन्वेस्टर का नुकसान भी होता है। तो क्या आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर, क्या आप ऐसे स्ट्रैटेजी पे डिपेंड हो सकते हो? नहीं, पैसा नुकसान होगा काफ़ी। और देखो, मैं आपको बता दूं, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो FNO में, जो डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, नुकसान होने के बाद फिर वो म्यूचुअल फंड में शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे वो आते हैं कि पैसा रिकवर करना है। तो SIP एक ऐसा टूल है छोटे इन्वेस्टर के लिए जो ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है। आप ऐसे थंबनेल और ऐसे वीडियो पे आप जब जाते हो तो एग्जैक्टली उसमें जाके देखो कि किस पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है और क्या वो पॉइंट आपसे रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप छोटे इन्वेस्टर हो, हर एक इन्वेस्टर का एक अपना रिस्क फैक्टर है और वैसे में जो भी स्ट्रैटेजी और जो भी तरीका वहाँ पे बताया जाता है वाकई में वो आपके लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा, ये आपको बारीकी से चेक करना पड़ेगा। और SIP सही है या नहीं है, अगर आपको कभी भी ऐसा कोई टॉपिक देखने को मिले तो आप डीमोटिवेट ना हो, उस वीडियो को बारीकी से चेक करें और पूरा रिसर्च करके डिसीजन लें। इन्वेस्टर को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप काफ़ी शुरुआत कर रहे हो, काफ़ी बिगनर लेवल के इन्वेस्टर हो, तो SIP ही एक ऐसा टूल है जो आपको सही दिशा दे सकता है और आपका पैसा बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।